हेलो फ्रेंड, देसी इंडियन फूड में आप सभी का स्वागत है। और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल देसी इंडियन फूड को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। आज हमारी रेसिपी है नेनुआ की कलौंजी। नेनुआ को गलका भी कहा जाता है। आधा किलो नेनुआ अच्छी तरह से धोकर छील लें। इस तरह छील लें। इस तरह से सारे नेनुओं में चीरा लगा लें। अब हम इसमें हमने जो मसाला तैयार किया था उसे भरेंगे। कलौंजी के मसाले के रेसिपी का लिंक हमने नीचे डाल दिया है, आप उसे ओपन करके देख सकते हैं। थोड़ा थोड़ा करके मसाला भरना है। हमने मसाले भरकर तैयार कर लिया है। तेल गर्म होने के बाद एक एक नेनुआ ध्यान से डालें। अब हमें इसके ऊपर से चारों तरफ से थोड़ा थोड़ा नमक डालना है। हमें इसे 5 मिनट तक लो फ्लेम पे ढककर छोड़ देना है। 5 मिनट हो चुके हैं, अब हमें इसे दूसरी तरफ पलटना है। इसी तरह हमें इसे पलट पलट कर दोनों तरफ से लाल होने तक फ्राई करना है। ये देखिए अच्छे से पक चुका है। इसे एक प्लेट में निकाल लेते हैं। इसे आप रोटी, दाल, चावल से भी खा सकते हैं। नेनुआ का कलौंजी बनकर तैयार है। हमारा ये रेसिपी आप सभी को कैसा लगा ये हमें ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देसी इंडियन फूड।